जयपुर छिड़के तमीठा लागे जे बख्शे तामुर बढ़िया जी।
बख्शे तापुर बटिया।
सज्जन स्वामी मोरा
किस ही जोर अहंकार बोल का किस ही जोर दीवार हर मिनटे तारे अवर ना काई तू करते राख मैं निमानी है
रखवाला सदा सदा
धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी की पावन मुकद्दस पवित्र हजूरी विच सुभायमान गुरु रूप सत संगत जीओ वड्डे भागां दे नाल गुरु की संगत प्राप्त हुंदी है। असी सचमुच जे अपने आले दुआले निगाह मारीए बड़े ऐसे होणगे जिन्हां दा मन कर रहा होएगा गुरद्वारा साहब आउण नूं, पर कम्मांकारां विच किरत विच या कई होर कारण हो सकते हैं जिन्हां करके वह इत्थे नहीं आ सके। असी वड्डे भागां वाले हाँ, सानू गुरु ने शरीरिक तंदुरुस्ती बख्शी है, उद्दम बख्शिया है, सोझी बख्शी है कि चल मना ये घड़ियाँ गुरु की गोद विच बैठ के गुरु गुरु करिए। सात संगत धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी का तरस होवे तां ये घड़ियाँ नसीब हुंदियां हन। फिर मेरे साहब की इन्नी मिठी बाणी, इन्ना सुंदर उपदेश, सतगुरु जी जिवें मैं कई बार बेनती करदा कि जिवें सियाणा टीचर जिहड़ा है उहनूं ढंग तरीका हुंदा कि मेरे बच्चे ने किवें समझना है, इहनूं मैं कोई पिक्चर दिखा के समझावां। कई बार मैं बेनती की है कि जदों टीचर पढ़ाउंदा ए फोर एप्पल तो एप्पल नाल उस पढ़ाई का कोई वाह वास्ता नहीं हुंदा, पर उन्हें पता है कि इस बच्चे की जिहड़ी समझ है ये हाली इस लेवल तक है कि इनू इशारा दे के इनू एक चीज़ दिखा के समझाया जाना भी यदा मतलब की है। जे टीचर गिनती सिखाण लगता तो इतने भी शायद स्लेटा वेखिया होणगियां जिन्हां दे विच मोती परोए होंदे ने, एक दो तीन चार पाँच बच्चों सिखाया जाता है। इस तरह सतगुरु जी जे बाणी पढ़िए तो समझाते हैं कि चार चुफेरे जो तू वेख रहा है, कोई किसान किसानी करता पिया उहदी किरत नूं वेख के सतगुरु जी ने समझाउण की कोशिश की, जे किसानी करनी है तो आ तेनों मैं समझावा, मन हाली किसानी करनी शर्म पानी तन खेत, इस तन नूं खेत बना, मन नूं हल वाहुण वाला हाली बना, तो इस खेत विच बीजना की है। साहब जी कहिंदे नाम बीज संतोख सुहागा, जिहड़ा किसान है उहदे किते नाल संबंधित ये चीज़ां ने, हल वाहुणा, सुहागा फेरना, उहदी साफ सफाई करनी, उहदी वाड़ करनी, संभाल करनी, फसल की रखवाली करनी। महाराज कहिंदे ने नाम बीज संतोख सुहागा, इहदी जिहड़ी वाड़ है वह फिर की होवे, रख गरीबी वेस, भाओ कर्म कर जमसी से कर पागट देख, बाबा माया साथ ना होए इन माया जग मोहया विरला बुझे कोई। जे किते जोगी नू सतगुरु जी ने वेख्या ते ए उपदेश कर दिता कि मंदा संतोख शर्म पत झोली ध्यान की करें विभूत, खिंथा काल कुवारी काया जुगत डंडा प्रतीत। मैं फिर बेनती करा साध संगत जीओ, जे किसी सुनियारे नू वेखदे हन सतगुरु जी ते मन नू किवें हौली 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 हौली, जे किसी टांगा वाहुण वाले नू वेखदे हन, जे किते किसी गड्डी चलाउण वाले गाड़ी वाहन नू वेखदे हन, उहदी उदाहरण दे के कोई एक नहीं बेअंत उदाहरणां दे के सतगुरु जी समझाउंदे हन। इस पवित्र शब्द दे विच वी सतगुरु जी ने, मैं बेनती करदा कि जदों असी बाणी पढ़ीए ना, गुरु रामदास महाराज जी का गुरपुरब पिछले दिन ही लंघिया, तो मैं बेनती की सी कि कोई बंदा जदों अपनी इंट्रोडक्शन दिंदा किसी नूं तो सिर्फ चंगीआं गल्लां दसदा है, वो कदे नहीं दसदा कि मेरे अंदर आ खोट भी है, बिल्कुल नहीं दसदा। पर महाराज गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी की बाणी पढ़ के वेखो, एक एक अखर, कंचन नारी मैं जियो लुभत है मोह मीठा माया, घर मंदर घोड़े खुशी मन अन रस लाया, हर प्रभ चेतना आवे। कोई बंदा दसेगा कि मेरा करैक्टर इहो जिहा, कोई दसेगा? गुनाहगार हो के भी लोग आ कोर्ट के जाके केस लड़ते ने, इन्ना इन्ना पैसा वकीलों नूं दे के, इस करके कि झूठ नूं सच साबित करके दिखाना। पर महाराज कहिंदे ने भी अंदर जो गुरु, मैं तो कहना
कैसा जीवन सतगुरु जी का, इन्नी गुरबत इन्नी गरीबी कि घुंगड़ियाँ वेच के भी गुजारा करना मुश्किल है, पर जिथे गुरु के प्यार भिजे ने उत्थे कहिंदे पे मेरे वर्गा ते नीवा कीड़ा कोई होना ही नहीं, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा साहब बिद तुम हर जानो आपे, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता। ये गुरु की वड्याई है कि गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। बेअंत बाणी दियां तुकां मैं ते ये बेनती करदा हुंना कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के अगे आके खलो के ना, कोई अरदास दुनिया की तुहानू कोई लफ्ज़ लभण की लोड़ नहीं, आके इन्नी ही बेनती कर दिओ सच्चे पातशाह मेहर कर दिओ, बस तरस करो, इन्नी बेनती कर दिओ भी तेरा किता जातो नाही मैनु जो कीतो ही, मैं निर्गुण यारे को गुण नाही, आपे तरस पियो। तेरा तरस है जिहड़ा मैं तुरिया फिरदा ना, ये तेरा तरस है, जे तरस ना तेरा हुंदा पता नहीं। मैं बेनती की कि शरीरक तौर पर असमर्थता होंगी इतने ना आ सकते, ये तेरा तरस है कि इस लायक बनाया कि मेरी काया मेरा शरीर मैनू तोड़ के लै आया। धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी की पावन बाणी का शब्द असी शुरू किया, तेरा एक नाम तारे संसार। महाराज कहिंदे ने ये हालात ने मेरे मालिक जी, एक सवाण दोए सवाणी नाल, भलके भौंकें सदा ब्याल, कूड़ छुरा मुठा मुरदार, धानक रूप रहा करतार। मैं पत की पंध ना करनी की कार, हों बिगड़े रूप रहा बिकराल। आए हाय 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 हाय, तसव्वुर करके सोच के वेखो जदों महाराज ने शब्द उच्चारण किया होएगा की अवस्था होएगी, कि इन्ना किरिया होया इन्ना किरिया होया विकारां विच, साहिब जी तेरे तो बगैर किसी ने छड़ाउणा नहीं, मैनू कोई दुनिया की ताकत नहीं जिहड़ी मेरी बंद खलासी कर सके, इस आस ते मैं तेरे चरणों में बेनती करदा, मैं यह आस यो आधार तेरा एक नाम तारे संसार, तेरी कृपा नाल तरिया जाना है उस तो बगैर नहीं। महाराज कहिंदे ने जिस तरह मैं बेनती की ना कि कोई बंदा सिर्फ अपने चंगे गुण चंगियां गल्लां दसेगा, पर मेरा गुरु कहिंदा है मुख निंदा आखां दिन रात, मुख निंदा आखां दिन रात, मेरा यह सुभाव बन चुका है भी ये जुबान दिती ना, इस जुबान नाल गुरु गुरु मैं 10 मिनट कराँ तो उस वेले थक जाती है, जे मैं चुगली करनी हो सारी रात बिठाल छोड़ो, मैनू बिल्कुल अकांगा नहीं थकांगा नहीं, सगों रस लवांगा उहदे विचों। मुख निंदा आखां दिन रात, पर घर जो ही नीच सनात। हा हा हा, इन इन्ना की कितने अरदास कर दी है, इन्नी की बेनती कर दी है, महाराज इहो जिहे आ सी, मुख निंदा आखां दिन रात, पर कर जो ही नीच सनात, काम क्रोध तन वसे चंडाल, ये अंदर वसया होया सारा कुछ, ये थां किसे होर दी सी, मकीम कौन हुआ मुकां किसका किसका था हाँ जी, भी ये घर किन्ने बना लिया, घर बनाउण वाला कोई होर सी, मकीम कौन हुआ मुकाम किसका था। महाराज कहिंदे ने पर घर जो ही नीच सनात, काम क्रोध तन वसें चंडाल, धानक रूप रहा करतार। एहो जी मेरी बुद्ध है फाही सुरत मलुकी वेस, हों ठगवाड़ा ठगी देस, मैं ठगा सब तो वड्डा, दुनिया का चंगे तो चंगा इंटरव्यू कढ़ के यूट्यूब ते वेख लो, तुहानू सिर्फ चंगीआं गल्लां दसेगा बंदा, ये नहीं आखेगा कि मेरे वर्गा ठग कोई नहीं है। पर महाराज गुरु नानक साहब जी की हिम्मत सी, हों ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता पार, तानक रूप रहा करतार। महाराज अखीर ते कमाल ही कर देंदे ने, कहिंदे ने मैं कीता ना जाता हराम खोर, मैं तेरे कीते नूं जाणिया नहीं समझिया नहीं, मेरे वर्गा हराम खोर होर कौन होएगा। बड़ी बड़ी हिम्मत चाहिए ये लफ्ज़ कहने वास्ते, बड़ी हिम्मत चाहिए, और ये सिर्फ इत्थे दी गल नहीं, ये देश दिसंतरां दे विच ये शब्द पढ़िया जाता है। काश सची मुची गुरु ग्रंथ साहब जी दे सन्मुख खलो के बंदा इन्ना कह दे मैं कीता ना जाता हरामखोर, हों क्या मूँह देसा दुष्ट चोर।
मैं किहड़ा मूँह लैके तेरे सामने खलोता वा, किहड़ा मूँह लैके अरदास करा, मेरे वर्गा ते दुष्ट ते मेरे वर्गा चोर होर है ही कोई नहीं। हाँ क्या मूँह देसा दुष्ट चोर, नानक नीच कह विचार, तानक रूप रहा करतार। सात संगत जी, बाबा कबीर साहब जी का एक बचन है, नावण को तीर्थ घणे मन बौरारे पूजन को बहुते। गल्लां करनियां बड़ियां सौखियां ने, एडा अंतरा मन है भावक भी हो जाता है, पर फिर उत्थे दी उत्थे जिवें कुत्ते दी पूछ, महाराज ने कहा ना कि वो कदी सीधी नहीं हो सकती, सवाण पूछ जो भयो नो सुधो बहुत पाव मैं किनो। महाराज कहिंदे ने भी बड़े तरीके अपना ले, थोड़ी देर वास्ते कितें हो भी जाता, टिकाने आ जाता, गल सुन लैंदा, पर उस तो बाद फिर उत्थे दी उत्थे रहिंदा मन। महाराज तुहाडे तो बगैर गल बन नहीं सकनी, इस करके तरस करते हो। आओ साध संगत जीओ, समा बहुत सीमित है क्योंकि असी बैटल क्रीक गुरद्वारा साहब जाके हुणे कीर्तन करना है, तो मैनू तो हुक्म सी प्रबंधकों वालों कि 12:50 ते समाप्ति कर दिओ जे, पर मैं 5 मिनट बाद लै जाने ने, 7 मिनट पाँच 7 मिनट मैनू माफ़ करना जी। ये शब्द प्यार नाल पढ़ो। एक मैं आप जी नूं बेनती करनी है, जदों तुसी ध्यान नाल बाणी सुनते हो ना, जदों तुसी एकाग्रता नाल बाणी सुनते हो, उस घड़ी का शुक्र करिया करो कि मन ने सुनी तो है ना, कोई नहीं कोई दिन आएगा जदों यह सुनिया होया प्रगट भी होएगा, यह सुनिया हुए नूं फल भी लगेगा। बस भावना बनाओ, जिवें कोई व्यापारी हुंदा है ना, सहस कटे लख को उड़ता वै, ये सुभाव होना चाहिए बंदे का। जिवें दूसरे पासे उधर नूं दौड़दा है ना, उस तरह इधर नूं दौड़ना चाहिए है कि जे इन्ना क आया है ना, तो लालच होवे भी नहीं इन्ना हो जाए हुण ते तां गल बणी, जिदन इन्ना हो गया फिर इन्ना हो जाए, फिर इन्ना हो जाए, फिर इन्ना हो जाए, इन्ना हो जाए। तो उहदे नाल नाल महाराज के चरणों में यह भी बेनती करते रहिए कि सच्चे पातशाह जी मेहर कर दिओ, असली खजाना यो ही है, ये खजाना इकट्ठा कर सकीए सारे प्यार नाल। मैं आस एहो करता कान करूं।
पढ़िए सुनिए विचारिए जदों असी कोई मूवी वेखते हाँ तो भावुक होंदे हाँ उस मूवी नूं वेखद्या वेखद्या उहदे विच जो करैक्टर
अपना रोल अदा कर रहे हैं, असी अपने ते लागू करके उस मूवी ने जदों वेखते हैं फिर सानू रोना भी आता है, फिर सानू हसना भी आता है। फिर असी इस तरह बाणी पढ़न वेले भी जे असी गुरु साहब जी की उस निम्रता नू अपने अंदर लैके आईए, उस तरह वेखण की सोचण की कोशिश करिए तां शायद गल बन सकती है। आप सारयां दा बहुत 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 धन्यवाद। सत्कारयोग भाई साहब जी राती उत्थे कीर्तन सुनने वास्ते गए सन, इन्होंने सानू इत्थों दे आप जी संगत बारे बहुत कुछ दस्या। सचमुच तुहाडे अंदर बहुत प्यार है, श्रद्धा है, और ये प्यार सत्कार गुरु की बाणी सदका महाराज इस तरह बनाए रखण सभना दा बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरे प्यारे वीर सत्कारयोग भाजी गुरप्रीत सिंह जी, वो भी बड़ी देर तो बाद उन्होंने नाल सांझ पई है, बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ। सतगुरु सारयां दा ही इत्थे आया अपने दर ते कबूल करन, प्रवान करन, बहुत बहुत सारयां दा धन्यवाद है जी। भाई साहब जी ने आप जी नू साडे तों बाद श्री हरकृष्ण ते आई भाई साहब जस जेठा साहब दुख जाए। सो आओ जो हुक्म है सारे प्यार नाल ये पंक्तियां पढ़िए। श्री हरि कृष्ण ते आइए, श्री हरि कृष्ण ते आइए, श्री हरि कृष्ण ते आइए, श्री हरि कृष्ण ते आइए। जिस टिके सब दुख जाए, श्री हरि कृष्ण ते आइए, जिस टिके सब दुख जाए, श्री हरि कृष्ण। वाहिगुरु जी का खालसा।